नमस्कार दोस्तों, आज हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का डे वन है। दोस्तों हम आपको मार्केट के प्री एनालिसिस के बारे में बता देते हैं। निफ्टी हमारा 80 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है और बैंक निफ्टी हमारा 110 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ है। दोस्तों चलते हैं हम स्क्रीन पर और ट्रेडिंग के आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली ट्रेड हो चुकी है, हमने निफ्टी में ट्रेड किया था और हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है। हमने 19,450 की पुट लिया था 99 रुपीज में और हमने उसको 104 रुपए में बेचा है। तो चलिए हम आपको चार्ट में दिखाते हैं कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। तो दोस्तों हम चार्ट पे ये हमने ट्रेड लिया है, हमने यहाँ से ये ट्रेड लिया और ये जो बिग बार बनी हुई है इस ये बिग बार आई यहाँ पे, इसने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही इसको ब्रेक किया हमने ट्रेड लिया और ये हमारा 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और ये हमारा यहाँ से 10 पॉइंट का टारगेट था। 10 पॉइंट यहाँ पे डेल्टा हमारा 0.5 होने की वजह से LTP सिर्फ 5 रुपए ही बढ़ा है। तो सबसे पहले हम आपको अपना PNL दिखाते हैं कि आज हमारा PNL सुबह सुबह क्या हुआ है, ओपन हो रहा है। ये देखिए 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 19,450 की पुट में हमने निफ्टी में ट्रेड किया था और ये देखिए अभी वो 100 रुपये चल रहा है, ये हमारा 250 रुपये का रनिंग प्रॉफिट है। जो ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ कोटेक, इसमें सिर्फ कुछ चार्जेस मिनिमम चार्जेस रखते हैं और कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है। हम 5,000 का कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम ये ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम धन ब्रोकर यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ट्रेड का वेट करते हैं। गाइज हमारी एक ट्रेड और हो चुकी है, हमने 19,500 का कॉल बाय किया था। ट्रेड का लॉजिक समझाते हैं हम आपको। हमने इस जगह पे ये हमारा ये हैमर बना, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके आया, हैमर बना और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको जब हैमर को जैसे ही इसने क्रॉस किया हमने बाय किया और यहाँ से हमने इसमें 3 रुपये का पॉइंट 3.3 रुपये बुक किए हैं। तो मैं आपको एक बार ट्रेड रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। 250 रुपये हमारा पिछला प्रॉफिट था और 150 रुपये में 3 पॉइंट हमने एक लॉट से इसमें बुक किया है, तो हमारा 150 रुपये ये हो गया। हम आपको रिफ्रेश हो रहा है भी दिखाते हैं। इसमें हमने 19,500 की कॉल ऑप्शन बाय करी थी, ये हमारा ओपन हो चुका है। ये आप देख रहे हैं 19,500 की हमने कॉल बाय करी, हमारा प्रॉफिट 400 रुपये हो चुका है और ये हमारा इसमें 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अभी इसका प्राइस 85 रुपये 30 पैसे के आसपास। तो दोस्तों हमारी एक ट्रेड और हो चुकी है और उसमें हमें लगभग 200 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है और उस ट्रेड का हम आपको लॉजिक बता देते हैं। ये ट्रेड हमने यहाँ पे एक डोजी सा बनाया था और ये हमारे ये जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट हो गया। जब यहाँ पे ये क्रॉस कर गई इस जगह पे, यहाँ से मार्केट जब क्रॉस कर गई तो ये रेजिस्टेंस बन गया और ये रेजिस्टेंस के आसपास ये डोजी सा बना। फिर यहाँ से जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी और डोजी का हाई जैसे इसने क्रॉस किया हमने एंट्री ली और ये इस कैंडल के हाई में ही हमें 4 पॉइंट के आसपास मिल गया था, तो हमने उसे बुक कर लिया। और अब हमारा प्रॉफिट टोटल देख लेते हैं कितना हो गया है। रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा नेट का इशू है, गांव है ये तो नेट का इशू रहता है यहाँ पे, इस वजह से टाइम लग रहा है। दोस्तों हमारा ये ओपन हो चुका है और अब आप देख सकते हैं हमारा नेट प्रॉफिट 620 रुपये के आसपास का है और ये हमने 19,500 की कॉल 19,450 की ही स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड किया है और इसमें हमें कॉल में 370 रुपये का प्रॉफिट है और पुट साइड 250 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो अब हम आज का डे क्लोज करते हैं। तो दोस्तों आज का डे हम क्लोज करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें 5,000 के कैपिटल के हिसाब से 10% के आसपास 12% के लगभग रिटर्न हो चुका है, तो हमें ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए और 12% रिटर्न काफ़ी होता है। कोई एक्सपायरी तो है नहीं जो हमारा आज कैपिटल डबल होने वाला है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो आज का हम एंड करते हैं और आज हमारा प्रॉफिट डे एंड में 620 रुपये है 5,000 का कैपिटल यूज़ करके। देखते हैं नेक्स्ट डे हमारा क्या होता है। तो आज की मार्केट हमारी अच्छी रही और हमारा आज प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों हमारा डे एंड हो चुका है और हमें डे एंड में 620 रुपये हमने प्लस में क्लोज किया और हमारा PNL ग्रीन क्लोज हुआ है। दोस्तों मार्केट बहुत अच्छी थी और उसने रोलर कोस्टर की तरह एक बार ऊपर गई फिर नीचे फिर ऊपर गई।
अच्छा एक मूवमेंट दिया और हमने 350 रुपए का प्रॉफिट हुआ और एक में हमें 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों हमारा डे वन प्रॉफिट के साथ क्लोज करते हैं, हम मिलते हैं आपको अगले ट्रेडिंग डेज में और आपको अपना पीएनएल शेयर करते हैं।